कॉस्ट्यूम डिजाइन कॉन्टेस्ट है और इस इवेंट में देख सकते हो गाइस आपको 10 डायमंड से लेकर 1000 डायमंड तक मिल सकता है। लेकिन इस इवेंट में क्या क्या करना होता है वो सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ डायमंड किस तरीके से आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल पर आपको फ्री टाइप के लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो आती रहती है। ओके सबसे पहले आप लोग इस इवेंट के सेक्शन में आने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा तो मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। सुबह सबसे पहले क्या करना, इवेंट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर नील वाले सेक्शन में जाना। नील वाले सेक्शन में जाने के लिए आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ मिलेगा कॉस्ट्यूम डिजाइन कॉन्टेस्ट, उस पर आ जाना। आने के बाद यहाँ पर देखो सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, वरना मैं यहाँ पर गोटे पे क्लिक करके मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, सुबह सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, देन बताऊँ कि आप लोग वो सारी चीज किस तरीके से यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने हाथों से अपने दिमाग से कुछ डिजाइन बनाना है और यहाँ पर अपलोड करना है। मतलब यहाँ पर जो फ्री फायर बहुत सारे बंडल वगैरह आते हैं, तो आप लोग देखते हो सारा में बंडल में अलग अलग डिजाइन होता है, उसी तरीके से अपने दिमाग से कोई बंडल बनाना है और वो बंडल यहाँ पर अपलोड करना है। और आपके बंडल को वोटिंग किया जाएगा, अगर आपके बंडल को ज्यादा पसंद किया जाएगा लोगों के द्वारा या फिर ज्यादा वोटिंग किया जाएगा आपके बंडल पे, तो आपको मिलेगा डायमंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा चीज कैसे करोगे मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग सबसे पहले कॉन्टेस्ट प्रोसेस देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए 10 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक आपको क्या करना है, डिजाइन को बनाना है और सबमिट कर देना। ओके, तो डेट यहाँ पर लिखा हुआ 10 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच आपको बंडल को डिजाइन देकर यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है जी, 10 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच आपके बंडल को देखा जाएगा, अगर आपका बंडल अच्छा रहेगा डिजाइन अच्छा रहेगा तो वो वोटिंग पीरियड में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और वोटिंग कब से कब होगा तो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच होगा, और आप लोग वोटिंग करोगे और जिस डिजाइन पर ज्यादा वोटिंग होगा वो टॉप होगा। एंड यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा अनाउंसमेंट और विनर का वो 3 सितंबर का होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो मैं आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डिजाइन कब से कब सबमिट करना है, उसके बाद वोटिंग से कब से कब होगा और अनाउंसमेंट कब होगा, ये सारा चीज के बारे में आपको पता चल गया होगा। एंड आगे आपको क्या करना है वो नीचे चलकर मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक आपको एग्जांपल दिया गया कि आपको किस तरीके से करना है। तो आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट दिया होगा, उसमें आपको डिजाइन देख सकते हो, फ्रंट साइड का एक बाइक साइड का आपको डिजाइन दिखाना है बना करके। ओके, और आपको यहाँ पर देखोगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या क्या चीज लिखना है, नेम ऑफ कॉस्ट्यूम, जो भी कॉस्ट्यूम आप बनाओ उसका नाम लिख देना है और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी छोटा उसके बारे में बंडल के बारे में लिख देना है और एक वीआईडी डाल देना। ठीक है, फ्री फायर के आईडी डाल देना बना करके। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोग डिजाइन किस तरीके से बनाओगे। सो यहाँ पर आने के बाद आप लोग सबसे पहले क्या करना, डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर किस तरीके का लिखा हुआ आएगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करना है। एरो पर जिस तरीके से क्लिक करोगे, जैसे आप लोग एरो पे क्लिक करोगे एक वेबसाइट के सेक्शन में आ जाओगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है यहाँ पर टैप कर देना, टैप जैसे करोगे यहाँ पर कॉपी यूआरएल आएगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना, जो भी कॉपी करोगे यहाँ पर पेस्ट कर देना लिंक को, और यहाँ पर इस पर सर्च कर देना। जैसे आप लोग सर्च करोगे यहाँ पर आ जाओगे, आने के बाद सबसे पहले इस पर टाइप करना 3 डॉट पे और डिस्कॉर्ड साइट पे कर लेना। ठीक है, डिस्कॉर्ड साइट पर करोगे इस तरीके का हो जाएगा। होने के बाद आप लोग क्या करना, नीचे स्लाइड करना और यहाँ पर डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक कर देना। और जैसे आप डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करोगे आपको जो भी रहेगा यहाँ पर ईमेल वगैरह वो आ जाएगा, और ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है, आने के बाद यहाँ पर ओपन हो गया और आप लोग देख सकते हो टेम्पलेट यहाँ पर सारा चीज दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बेसिकली डाउनलोड कर लेना जो भी आप लोग टेम्पलेट डाउनलोड करना चाहते हो। यहाँ पर फीमेल का भी दिया गया और मेल का भी दिया गया और उसके साथ एक टेम्पलेट दिया गया है, तो टेम्पलेट यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं दोनों सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये टेम्पलेट हमारा हो गया। ओके, तो गाइस यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना और ऊपर वाले साइड पर 3 डॉट पे क्लिक करना, डाउनलोड पे क्लिक करना। ठीक है, और अलाउ पे क्लिक करना, ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सेकंड चीज यहाँ पर आप मेल और फीमेल का फ्रंट साइड और बैक साइड आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इस पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है, इस पे भी क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये सारी चीज डाउनलोड होगा। अगर आपको फीमेल का डाउनलोड करना चाहते हो तो ये जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करके क्लिक करना, यहाँ पर आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, उसे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर 3 चीज डाउनलोड करने के बाद अब आप लोग क्या करना, पहले ये चीज टेम्पलेट डाउनलोड करना है, उसके बाद फ्रंट साइड वाला, उसके बाद बैक साइड वाला। ओके, डाउनलोड करने के बाद जो भी मन में आए जैसा भी डिजाइन आए बंडल बनाने का, उस तरीके का आप डिजाइन बना सकते हो अपने फोन में या फिर किसी भी एडिटर में जाकर के आप लोग बना सकते हो। सो गाइस बनाने के बाद आप लोग अगर सेव कर लेना, सेव करने के बाद अपलोड कहां पर करना है वो चीज आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल से पैन वगैरह पहना दिया हूँ अपने मन से, और आप लोग जैसे भी अच्छे तरीके से करना है ताकि आपको वोटिंग ज्यादा हो, लोगों को ज्यादा पसंद आए और आपके गेम में ये बंडल आ सके। ठीक है, आने के बाद अपने इवेंट वाले सेक्शन में आने के, आने के बाद आपको गोटो पे क्लिक करके वहाँ पर एक अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, तो अपलोड कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपलोड कहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आ जाओगे गाइस, आने के बाद देखो अपलोड का यहाँ पर आपको सिस्टम निकला हुआ, एक ऑप्शन निकला हुआ सॉरी, तो आपको सिंपल इस पर टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद एक नया सेक्शन खुलेगा जहाँ पर आपको डिटेल डालना है, उसके बाद अपलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ एंड उसके बाद क्या क्या आगे करना है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपना यहाँ पर आप लोग ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस डालने के बाद अपना नाम डाल देना, जो भी आपका नाम हो, अपना गेम का आईडी डालना है, जो भी यूआईडी आपका यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद आपका जो भी डिजाइन बनाओ उसके बारे में कुछ यहाँ पर लिख देना है, जो भी मतलब कोई किसी तरीके का बंडल वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर यही डालना है कि आप जो भी यहाँ पर बनाओगे डिजाइन उसी का लिंक डालना है। तो अब आप लोग बोलोगे उसका तो मैं बना दूंगा, लेकिन उसका लिंक यहाँ पर कहाँ आएगा, तो मैं उसको सबसे पहले क्या करना, गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देना। ठीक है, तो आप लोगों को फोन में एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइव पर, एक एप्लीकेशन होते ही जाना, जाने के बाद आप लोग क्या करना है यहाँ पर आपको प्लस आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करना, अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, अपलोड पर क्लिक करके जो भी यहाँ पर अपलोड करना चाहता है, जो भी फोटो में डिजाइन बनाओगे बंडल का वो यहाँ पर अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पे आप लोगों को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक पे क्लिक करना है, कॉपी लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आकर के पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको बताया उसी तरीके से यहाँ पर सारा चीज मैं फिलअप कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं टोटली सारी चीजें यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ और यहाँ पर मेरा सबमिट का भी ऑप्शन आ चुका है। ओके, तो जिस तरीके से मैं आपको बताया हूँ सारा चीज उसी तरीके से आपको फिलअप करना है और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपके बंडल को देखा जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर 3 सितंबर को आएगा, 3 सितंबर को आपको सारा वोटिंग करने के बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आपके बंडल को पसंद किया गया है या फिर ज्यादा वोटिंग किया गया है या नहीं किया गया। ओके, अगर आपका बंडल यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग किया जाएगा, लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको आईडी में 10 डायमंड लेकर 1000 डायमंड मिल सकता है। ओके, वरना नहीं मिलेगा मेरे भाई, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें अपने बंडल के पीछे, थोड़ा अच्छे डिजाइन बनाना है ताकि आपको डायमंड मिल पाए और सारे बंडल को डायमंड नहीं मिलेगा, ये फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा। तो आप लोग मेहनत करना, जो बंदा यहाँ पर विनर होगा उसी को यहाँ पर डायमंड मिलेगा। ओके, और यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज के बारे में अच्छी तरीके से समझा दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर
के लिए भूलना मत, क्योंकि गाइस यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एडवांस सर्वर के बारे में फुल डिटेल्स, क्योंकि यहां पर एडवांस सर्वर में यहां पर न्यू इमोट कौन सा आने वाला है, क्या-क्या चीज नया आएगा, सारा चीज आपको बताऊंगा जो न्यू अपडेट आने वाली है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।